जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आज हम आके पहुंच चुके हैं, जो आपको पता ही होगा इस क्षेत्र में अलरनाथ क्षेत्र बोला जाता है। महाप्रभु जी के जब बुखार होगा, स्नान पूर्णिमा के बाद जो 15 दिन महाप्रभु जी बुखार में पड़ते हैं, वो 15 दिन जगन्नाथ जी का दर्शन बंद रहता है। भक्त लोग कहाँ दर्शन करेंगे? सब महाप्रभु जी का एक जो भक्त होते हैं, एक दिन महाप्रभु जी नहीं देखेंगे तो वो उनका मन उदास हो जाता है। इसीलिए एक बार चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, तो महाप्रभु जी का भक्त भक्त वो है चैतन्य महाप्रभु जी। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए, तब ये महाप्रभु जी के वो बुखार के समय था, स्नान पूर्णिमा के बाद। तब वो मन उदास हो गया, बोले कि आज मैं प्रभु जी का दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे करके मूर्छित हो गए। उसके बाद में प्रभु जी उनको सपना आदेश दिए कि आप ब्रह्मगिरी स्थित, मतलब ये जो ब्रह्मगिरी बोला जाता है, क्योंकि जब मंदिर प्रतिष्ठा के समय ब्रह्मा स्वयं यहाँ पर नीचे अवतरित होकर यहीं से महाप्रभु जी जगन्नाथ जी क्षेत्र को रवाना हुए थे, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम ब्रह्मगिरी बोला जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी को बोले कि आप ब्रह्मगिरी स्थित अलरनाथ मंदिर में जाइए, वहीं पर मैं 15 दिन दर्शन दूंगा। तब चैतन्य महाप्रभु जी यहीं पर आके महाप्रभु जी का विष्णु रूप अर्थात शंख चक्र गदा पद्म हस्त में महाप्रभु जी पकड़े हैं, वही विष्णु जी का जो लक्ष्मी जी है और भूदेवी सीधी जो बोला जाता है, लक्ष्मी जी और सरस्वती माता भी विराजमान है। गरुड़ जी श्री प्रयर में दंडवान है और एक बड़ा सा भी गरुड़ पक्षी स्तंभ है, आप आके इस क्षेत्र का दर्शन कर सकते हो। वो महाप्रभु जी का यहाँ पर एक रिवाज है, एक सब जगह में जगन्नाथ जी के सब जगह में कोई ना कोई लीला करते हैं, और जैसे महाप्रभु जी खाने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो जहाँ भी जहाँ भी जाएंगे उनका खाने के लिए प्रावधान ज़्यादा रहता है, इसीलिए कहीं कहीं जगह में कहीं कहीं भूख लगता है। मगर इस क्षेत्र में श्री अलरनाथ क्षेत्र में महाप्रभु जी खीर खाते हैं, जो चावल खीर होता है वो खीर खाते हैं, क्योंकि एक दिन का बात है, एक दिन का जो यहाँ पर का पंडित जी क्षेत्र के तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए थे, उसके बाद उनका बेटे को बोल के गए थे कि आप आपका दायित्व मंदिर है, आप प्रभु जी को भोग अर्पण करेंगे। तब वो छोटा बच्चे थे तो उसको पता नहीं, वो उनको मंत्र पता नहीं, और वो बोले कि महाप्रभु जी मुझको तो मंत्र पता नहीं, कुछ पता नहीं, मैं समर्पण भाव से आपको खीर देता हूँ। और अलरनाथ जी वो बच्चे से खीर ले गए थे, वो खीर इतना गर्म था, तो खाने के समय महाप्रभु जी का हाथ और मुंह और जो उनका जो दिल है, जो दिल है वो दिल के पास में जो छाती के बीच में वो गर्म खीर पड़ के थोड़ा फटका हो गया था, और उसके बाद में बहुत सारा नीला बात आती है। तब ज़्यादा भीड़ बन जाता है, कब? जब जगन्नाथ जी के बुखार के समय यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं यहाँ पर विष्णु जी के रूप स्वरूप यहाँ पर दर्शन देते हैं, इसीलिए वर्षों में सालों में 15 दिन महाप्रभु जी यहाँ पर दर्शन देते हैं। और ये स्थान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के स्मृति पीठ है, क्योंकि बोला जाता है जब विष्णु जी के अर्थात अलरनाथ को दर्शन किए थे, इतना भाव भक्ति से भर चुके थे, तब यहीं पर मूर्छित होके, मतलब उनका भक्ति का इतना प्रभाव था, इस पत्थर भी पिघल गया था, इसीलिए पत्थर का जो पिघलना ये महाप्रभु जी का दया और महाप्रभु जी का कृपा कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में माना जाता है। ये नीला भी अपंपार है, यह क्षेत्र का बहुत अलौकिक नीला है, और समय मिले तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन जब करेंगे तब नॉर्मली डे में भी आप आके यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। ये धाम एक अपूर्व महाप्रभु जी का स्थल है, तो आइए दर्शन करिए और महाप्रभु जी का गुणनाम गाइए। ये क्षेत्र है अलरनाथ और ब्रह्मगिरी स्थित, यहाँ ब्रह्मगिरी जो गांव है, वो गांव के एक किलोमीटर अंदर में ब्रह्मगिरी स्थित जो गांव है बसा है, वहाँ के जगन्नाथ जी बैठे हैं, तो आइए दर्शन करिए। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।